धर्मेश उपाध्याय जी हैं संत कबीर नगर जिले से, ये जो है प्रश्न कर रहे हैं। देखिए प्रश्न को भी आप ध्यान से सुनिए। नमः शिवाभ्याम। नमो नमः, अहम् धर्मेशोपाध्यायः संत कबीर नगर उत्तर प्रदेशतः वर्णेन ब्राह्मणः। पूजन समये श्री गणपति पूजने यत् विशेषार्घ्यं प्रदास्यते तत् स्वमुखं वा सूर्यार्घ्यमेव भवति। कुत्रोल्लिखितं मार्गदर्शनं यदि भवति तत् महती कृपा। इन्होंने प्रश्न किया है, आप लोग भी समझ लें। यद्यपि इसमें कुछ जो है विसर्ग आदि का जो है अभाव था वो मैंने स्पष्ट रूप से सही करके पढ़ा है, परंतु इन्होंने संस्कृत में लिखा है, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। इस तरीके से ही जो है संकोच न करें, अपनी भाषा है अवश्य लिख सकते हैं, परंतु मैं इसका उत्तर हिंदी में ही दूंगा ताकि ये जो प्रश्नावली है जो सार्वजनिक है सब लोग इसको श्रवण कर सकते हैं। इनका प्रश्न है कि पूजन समय पर जो गणेश जी को विशेषार्घ दिया जाता है, वो विशेषार्घ अपनी तरफ को मुँह करके ऐसे दिया जाएगा अथवा सूर्यार्घवत दिया जाएगा, जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं वैसे दिया जाएगा, और ये कहाँ लिखा है इसको आप बताएं तो हमारे ऊपर महान कृपा होगी, महती कृपा होगी, ऐसा इनका प्रश्न है। देखिए कि भगवान गणेश को किस प्रकार विशेषार्घ देना चाहिए, इस पर आप देख विचार करें। पहली बात, ये हाथ को देखिएगा, इसी से स्पष्ट हो जाएगा। ये जो हाथ है इसमें तीर्थ बने हुए हैं, ये जो है देव तीर्थ है आप जानते हैं, ये पितृ तीर्थ है, ये जो काय या प्राजापति तीर्थ है, ये अग्नि तीर्थ है, और ये ब्राह्म तीर्थ है, ये ब्राह्म तीर्थ है। तो ऐसा नहीं है कि यहां वो देवता निवास करते हैं। लोगों को कुछ लोग पूछते हैं, जैसे हमारे विद्यार्थी पूछते हैं, वो ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ देवता रहते हैं, यहाँ पितर रहते हैं, और यहाँ जो है प्रजापति रहते हैं, यहाँ अग्नि रहते हैं, यहाँ ब्रह्मा रहते हैं, ब्राह्म तीर्थ। अरे मैंने कहा ये ऐसा भ्रम मत करिए, ये नहीं है। देवता तो फिर कहाँ रहते हैं, तो पहले वो बात बतलाते हैं फिर इसको बतलाते हैं। देखिए, पुरतो सर्वदेवाश्च दक्षिणे पितरस्तथा ऋषयः पृष्ठता सर्वे वामे गंडू समाचरेत। ये जो है श्रुति भगवती का, स्मृतियों का हमारे लिए निर्देश है कि सभी लोगों के सामने देवताएं हैं, हमारे इष्ट देवता और भी इंद्रादि जो भी देवता हैं वो सदा सर्वदा हम लोगों के सामने रहते हैं, इसलिए कभी भी सामने थूकना नहीं चाहिए, गंडोश यानी कुल्ला नहीं करना चाहिए, कुल्ला किधर करे, क्योंकि सामने सब देवता हैं। यदि आपने ऐसे कुल्ला कर दिया सीधे सीधे तो आपने अपने इष्ट देवता पर, अपने जो है देवताओं पर थूक दिया। लोग देखिए मोर मुन स्टीवनम, बार बार थूके नहीं। आजकल लोग गुटखा खाते रहते हैं, तंबाकू खाते रहते हैं, न जाने क्या क्या खाते रहते हैं, नहीं खाए तब भी बार बार थूकते रहते हैं। मुर्मु स्थीवनम निषिद्धम, बार बार थूकना शास्त्रों में निषेध किया गया है, पर वे सामने थूकते रहते हैं, यानी अपने इष्ट देवता पे देवताओं पर थूकते रहते हैं। यदि दाई तरफ कर दिया तो दक्षिणे पितरस तथा, आपके अपने जो है पिता पितर हैं, जो भी पिता पितामह प्रपितामह और भी आगे नांदीमुख अश्रमुख जो भी हैं वो सभी आपके दाई तरफ हैं, तो इधर भी जो है कभी भी जो भी बताया गया है कि भोजन आते तो 16 भोजन के बाद 16 कुल्ले करने चाहिए, लघु शंका के बाद 4 कुल्ले करना चाहिए, और जो है मल त्याग के बाद
बारह कुल्ले करना चाहिए, दांतों के बाद भी बारह कुल्ले करना चाहिए, मैथुन के बाद आठ कुल्ले करना चाहिए, नाश्ता करने के बाद भी जो है आठ कुल्ले करना चाहिए, तो ये जो है, और भोजन के बाद सोलह कुल्ले करना चाहिए, जगने के बाद तीन कुल्ले करना चाहिए, इतने कुल्ले कुल्ला करने का ही विधान। तो वो कभी भी दाएं नहीं करे और सामने नहीं करे, कोई कहे हम तो पीछे करेंगे, तो ऋषया पृष्ठता सर्वे, पीछे हमारे ऋषिगण हैं, उन पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऋषिगणों का निवास कहाँ है? हमारे पीछे। और बाईं ओर, बोले बामे गंडूस माचरे, बाईं ओर कुल्ला करना चाहिए, अपनी बाईं ओर थूकना पड़ जाए कभी, जहाँ भी शास्त्र विधान करते हैं, अथवा कोई कारण बन गया है थूकने का या कुल्ला करने का, जहाँ शास्त्र विधान करते हैं कुल्ला करना है, तो बामे गंडूस माचरे, अपनी बाईं ओर कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि बाईं ओर राक्षस आदि का, पिशाचों का, प्रेतों का निवास बतलाया गया है, इसलिए इधर ही कुल्ला करें। इन पर हो जाए तो कोई बात नहीं, पितरों पर, ऋषियों पर और देवताओं पर गंडूस नहीं हो जा, इस बात का ध्यान रखना और इसका परिपालन कभी करना। तो देवताओं का निवास कहाँ है? हमारे आगे। पितरों का निवास कहाँ है? हमारे दाहिने। हाथ पर नहीं है, हाथ पर निवास नहीं है, हमारे पूरे शरीर के आगे, पीछे, दाएं, बाएं, इन लोगों का निवास है। तो ये फिर ये क्या है कि यहां इनका तीर्थ, यहां इनका तीर्थ, अर्थात कोई भी वस्तु दी जाए, यदि आप देवताओं को देते हैं तो यहां से देवें, कोई वस्तु चढ़ानी है ऐसे चढ़ानी है, देना है ऐसे देना है, दाहिने हाथ के इन अंगुलियों के अग्रभाव का स्पर्श करते हुए ही वो चीज जानी चाहिए। मुख्य रूप से दाया हाथ है, ये भी है तर्पण आदि में कि किस वेद के लिए केवल दाहिना हाथ, किस वेद के लिए बाएं हाथ का केवल सहारा, किस वेद की किस शाखा के लिए पूरी अंजलि बना करके। तो कातियों के लिए मुख्य रूप से दाहिना हाथ है, पर बाएं हाथ का संयोग होना आवश्यक है। ऋग्वेद आदि के लिए दाएं हाथ से ही केवल वो दे सकते हैं, ऐसा भी विधान है। सामवेदियों के लिए पूरी अंजलि से ही देना चाहिए, यह है। तो देवताओं के लिए जो भी वस्तु समर्पित की जाए तो वो दक्षिण हाथ के इन पर्व से जरूर जानी चाहिए। पितरों के लिए यहाँ से स्पर्श करता हुआ, जैसे जल या पिंडदान देते हैं तो वो जो है यहाँ से करके देते हैं ऐसे पिंडदान, और देवताओं के लिए ऐसे करके देते हैं, पितरों के लिए ऐसे देते, क्योंकि यहाँ जो है पितृतीर्थ है और यहाँ जो है ये काय तीर्थ या प्राजापत्य तीर्थ है, तो यहां से जो है दिव्य मनुष्यों के लिए, शनकादि दिव्य मनुष्यों के लिए यहां से दिया जाता है। कोई संकल्प आदि किया जाता है तो अग्नि तीर्थ में यहां जल रख करके, अपने लिए कोई चीज लेते हैं तो ब्राह्म तीर्थ है ना, पिवेत लिखा है ना, ब्राह्म तीर्थ से लिया जाता है अपने लिए, ये ब्राह्म तीर्थ है। तो अपने खुद आचमन करना हो, खाना हो, तो यहां से। तो इससे स्पष्ट है कि गणेश जी को अर्घ कहां से दे। अब कुछ लोग ऐसे दिलवाते हैं गणेश जी के लिए अर्घ ऐसे, तो वो अशास्त्री हो गया, क्योंकि इस ऐसे तो अपने लिए दिया जाता है, यहां से जाएगा अपने लिए। देवता के लिए, किसी भी देवता के लिए देना है, कोई भी वस्तु देनी है, षोडशोपचार या त्रिंशतोपचार या जो है द्विसप्तति उपचार, शतोपचार, सहस्रोपचार, कोई भी उपचार समर्पित करना है, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार आदि, तो वे समस्त उपचार यहीं से समर्पित होना है, यही विधान है। तो ये जो विशेषार्घ है ये भी उपचार है, इसलिए अर्घ्य हो, विशेषार्घ्य हो, सब जो है ऐसे ही दिए जाते हैं। अगर कोई पात्र है तो पात्र में भर करके ऐसे दे दे, नहीं है तो अंजलि में भर करके भी जो है दिया जा सकता है, परंतु दें ऐसे ही, ऐसे अपने लिए दिया जाता है। तो अपने लिए भी कोई विशेषार्घ्य देगा क्या? हाँ, दे सकते हैं। तंत्र शास्त्र में अपना जो है ये सब बड़ी लंबी प्रक्रिया है कि अपने पंचमहाभूतों को जो है सृष्टि लय क्रम से विलीन कर दिया जाता है और फिर अपने जो है शरीर को भी भस्म कर दिया जाता है, ऐसी भावना की जाती है, और दोबारा फिर अमृत तत्व को लेकर के और उसी भस्मीभूत उस राख को फिर उससे पिंड बना करके अपना निर्माण होता है सृष्टि क्रम से, फिर अपने प्राणों की प्रतिष्ठा होती है
और अपने आप को देव रूप या देवी रूप मान करके फिर प्राण प्रतिष्ठा करके फिर पूजा होती है, क्योंकि देव भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके ही देवता का यजन होता है, तो तब फिर अपना भी आत्म पूजन होता है। तो गंध अक्षत पुष्प सब अपने लिए जो षोडशोपचार अन्य उपचार भी इसी प्रकार समर्पित किए जाते हैं। तो अपने लिए अपने आप को देवता रूप मानते हुए यदि अर्चन बंदन कुछ करन यजन करना है तो अपने लिए अर्घ ऐसे देना है, अन्यथा किसी भी देव या देवी के लिए जो भी अर्घ या विशेषार्घ अन्य भी उपचार कोई भी समर्पित किए जाते हैं तो वो देव तीर्थ से ही समर्पित किए जाने चाहिए। यही सिद्धांत है कर्मकांड का। ठीक है जी, हर हर महादेव।